तो फ्रेंड्स लॉकडाउन में भी सभी के लिए बहाली आ गई। दोस्तों आपको बता दें कि विभिन्न पदों पर यहाँ पे आपको बता दें कि जल्दी ऑनलाइन अप्लाई कर लो। तो आपको बता दें अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, अलग अलग योग्यता है। इसका ऑनलाइन आवेदन करने की जो बात करते हैं तो इसका जो हो गया 4 जून तक इसका आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसका लास्ट डेट है। और 5 मई से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया। आपको बता दें कि इसमें कोई भी अप्लीकेशन फी नहीं लग रहा, कोई भी आवेदन फी जो आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं उसमें कोई भी आवेदन फी नहीं लग रहा। लेकिन आपको बता दें ये ऑनलाइन आवेदन फी सिर्फ एससी एसटी और फीमेल है किसी भी कैटेगरी से, तो इसमें आपको जो हो गया कोई भी आवेदन फी नहीं लग रहा है। और किसी भी स्टेट से तो इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये लॉकडाउन में भी यहाँ पे जो गया जॉब करने के लिए यहाँ पे सभी के लिए बहाली आ गई है। जो लोग भी इनका जो एलिजिबल है क्वालिफिकेशन जो है तो वो लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। चलो यहाँ पे देख लेते हैं इसके जो गया विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट, देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिया गया है कि IIT मंडी हिमाचल प्रदेश। आपको बता दें जॉब आपको जो हो गया आपको हिमाचल प्रदेश में करना होगा। यहाँ पे देख सकते हो कि रिक्वायरमेंट सेक्शन यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे जो हो गया प्रारंभिक तिथि यानी कि ओपनिंग डेट की, तो 5 मई 2021 से 11 बजे से यहाँ पे है। और अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 4/6/2021 17 अवर्स यहाँ पे दिया गया है, क्लोज डेट है ये। और इसके लेकर यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बताया गया है भारतीय औद्योगिक संस्थान मंडी हिमाचल प्रदेश निम्नलिखित गैर शैक्षणिक पदों के लिए भारतीय नागरिक से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है, जो कि कुछ इस तरह का यहाँ पे पद दिया गया। कुल यहाँ पे 8 प्रकार का पद है, अलग अलग पदों पर यहाँ पे देख सकते हो कि विभिन्न, मैं आपको शुरू में बताया था कि विभिन्न पदों पर, तो ये सारे यहाँ पे 8 प्रकार के यहाँ पे पद है जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि इसका हाई यहाँ पे जो हो गया पे है लेवल, यहाँ पे देख सकते हो कि पे लेवल एंड पे जो हो गया 1 नंबर का जो टेक्निकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि 56,100 रुपये से लेके 1,77,500 रुपये तक यहाँ पे, यानी कि इसमें हाई वेतन है यहाँ पे देख सकते हो कि, तो इसमें हाई वेतन तो क्वालिफिकेशन भी हाई हो सकता है। यहाँ पे आगे देखते हैं और यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सा पद है, टेक्निकल ऑफिसर, स्पोर्ट्स ऑफिसर, जूनियर टेक्निकल जो हो गया यहाँ पे बताया गया है। और वही 4 नंबर पर जूनियर सुपरिटेंडेंट, और यहाँ पे दिया गया है कि इसमें शॉर्टकट में यहाँ पे लिखा है इन्वर्टर कॉमा में यहाँ पे राजभाषा यानी कि क्षेत्रीय भाषा जो होता है वो। और यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पे भी है, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल और जूनियर असिस्टेंट यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हो कि कैटेगरी वाइज कितना कितना सीट है वो यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे नीचे में आते हैं तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है क्वालिफिकेशन, जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि जो है इसमें टेक्निकल ऑफिसर के लिए BE/BTEC यहाँ पे मांगा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हो कि दिया गया है। वही यहाँ पे 2 नंबर पर आते हैं तो इसके लेकर भी यहाँ पे बताया गया है ग्रुप ए के लिए जो हो गया स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए, तो इसमें भी यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन यहाँ पे मास्टर डिग्री मांगा जा रहा है। और नीचे में आते हैं तो जूनियर टेक्निकल के लिए भी, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए जो है यहाँ इसमें जो कि AC के लिए 1, OBC के लिए 2 और UR के लिए 2, ग्रुप बी का एक पद है जिसमें आपको इसमें फर्स्ट क्लास बैचलर ऑनर्स यहाँ पे बताया गया है और डिग्री इन साइंस। और भी यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो कि और कर करके यहाँ पे दिया गया है, यदि ये है तो ये होना चाहिए और यदि ये है तो आपको ये होना चाहिए, मतलब कि इन सभी में से कोई ना कोई आपको होना चाहिए यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे आते हैं तो जूनियर टेक्निकल के लिए भी यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट मांगा जा रहा है, यहाँ नीचे में आते हैं जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पे मांगा जा रहा है, देख सकते हो कि बैचलर या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस। जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए भी यहाँ पे बैचलर डिग्री मिनिमम यहाँ पे 55% मार्क होना चाहिए और 8 ईयर एलिमेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह मांगा जा रहा है, ये सारे यहाँ पे आप एक बार देख लीजिएगा कौन सा पद के लिए क्या क्या इसमें मांगा जा रहा है। और इसमें देख सकते हो कि 6 नंबर पे जो जूनियर इंजीनियर के लिए भी इसमें बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियर यहाँ पे और बताया गया कि प्लस 1 ईयर एलिमेंट एक्सपीरियंस और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 3 ईयर रिलेक्शन विद 3 ईयर फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ में यहाँ पे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन।
तो इसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको इसे डाउनलोड करके यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह सभी को आप देख लीजिएगा और यहाँ पे सामान्य नियम एवं शर्तें भी एक बार पढ़ लीजिएगा और नीचे में आइएगा डाउनलोड करने के बाद। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह यहाँ पे दिया गया देख सकते हो कि निर्धारित ऑनलाइन आवेदन संस्थान की वेबसाइट ये रहा www.iitmandi.ac.in तथा इस पर भी आप जा सकते हो, देख सकते हो कि सबका यहाँ पे वेबसाइट यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे आकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था वीडियो जो कि यहाँ पे IIT के तहत यहाँ पे निकाला गया है जो कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का है। यदि आप किसी स्टेट से तो उस फॉर्म को आप भर सकते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और इसको डाउनलोड करके आप एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जो लोग एलिजिबल है उसको भर लीजिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे में जॉब से रिलेटेड पर्पल की खबर लेके आता रहता हूँ। थैंक यू, बाय बाय एंड लव यू ऑल।